तो आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। माँ चंडी देवी ट्रस्ट वाले ट्रैवलर ने हमें ऋषिकेश जाने वाले रास्ते में वहाँ छोड़ा, जहाँ से हमें बिना किसी परेशानी के ऋषिकेश के लिए टेम्पो मिल गया था। रास्ते में इतने प्यारे प्यारे नजारे थे जिन्हें मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा। दीवारों पर बनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को देखकर मैं समझ गया था कि अब योग नगरी दूर नहीं है। तो भैया जी हम पहुंच गए योग नगरी। ज्ञान शहर में लोगों से रास्ते तो पूछने पड़ेंगे ही, वैसे इतना भी अनजान ये शहर और ना ही ये घाट है जहाँ हम जा रहे हैं। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने इसी घाट में 20 के 5 बतासे पिए थे, कैसे भूल सकता हूँ। त्रिवेणी घाट में माँ गंगा के दर्शन के बाद काफी देर हमने घाट में बैठ के बिताया, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, हर जगह घूमने का प्रयास किया। पास में एक पापड़ वाले भैया दिखे जिनसे हमने थोड़ा पापड़ खरीदने के बाद, थोड़ा तो नहीं, इन्हीं भैया से हमने 3 बार पापड़ खरीदे थे। घाट में खाते पीते हमने घाट को अच्छे से एक्सप्लोर किया और हाँ सच में भैया जी घाट बहुत बहुत सुंदर लग रहा था। घाट के बाहर ही कपड़ों की बड़ी सी मार्केट है, तो शॉपिंग कर लेंगे।